अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 4 सब्जेक्ट इंग्लिश ए। टुडेज लेक्चर नंबर इज 3, यूनिट नंबर 3, ब्रेड रैबिट ट्रिक्स ब्रेड फॉक्स। स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर के वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स एंड टेंसेस, मिसिंग लेटर्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड बुक वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स एंड टेंसेस, मिसिंग लेटर्स एंड क्वेश्चन आंसर, ये सब आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और उनको याद करना है। जबकि जो बुक वर्क है वो अपनी बुक्स पे आपने नोट डाउन करना है नीट वे में और उनको भी याद करना है। वर्ड्स मीनिंग, फर्स्ट वर्ड है क्रोनीज, इंग्लिश में इसका मीनिंग है फ्रेंड्स और उर्दू में इसका मायनी है साथियों। सेकेंड है डस्क, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है सनसेट टाइम यानी कि गरूबे आफ्ताब। थर्ड है एग्जॉस्टेड, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टाइट और उर्दू में इसका मतलब है थका हुआ। फोर्थ नैप, शॉर्ट स्लीप यानी के कैलूला। फिफ्थ प्लूमेटेड, इंग्लिश में इसका मीनिंग है फेल वेरी क्विकली और उर्दू में इसका मतलब है तेजी से गिरा। सिक्स टेरिफाइड, इंग्लिश में इसका मतलब है फ्राइटल और उर्दू में इसका मतलब होता है डरा। सेवन शूट पास्ट, इंग्लिश में इसका मीनिंग है रश पास यानी कि तेजी से गुजरना। एट स्प्रैंग आउट, इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है जंप आउट यानी कि छलांग लगाकर निकलना। नेक्स्ट मिसिंग लेटर्स, फर्स्ट है प्लोमेटेड, सेकंड टेरिफाइड, थर्ड एक्सट्रीमली, फोर्थ इमीडिएटली, फिफ्थ क्रोसिटी। वर्ड सेंटेंसेस, फर्स्ट वर्ड है इन्फेक्टेड, इसका मतलब होता है नुकसान, ठीक है, या इन्फेक्शन का शिकार। शॉन वॉज इन्फेक्टेड बाय डेंगी वायरस। नंबर टू बॉब, मतलब होता है इसका तैरने लगे। आई सॉ बकेट बॉब ऑन द सरफेस ऑफ द वेल। थर्ड पियर्ड यानी कि झांकना, द हंटर पियर्ड इनटू द वेल टू गेट वाटर। फोर्थ रैन फॉर हिज लाइफ, जिंदगी बचाने के लिए भागना, आई रैन फॉर हिज लाइफ टू सी अ लाइन। क्रेप्ट चक्कर लगाना या उतरना, ही क्रेप्ट डाउन स्टेयर्स साइलेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स, व्हाट वर द एनिमल्स डूइंग इन द फील्ड, जानवर खेतों में क्या कर रहे थे। द एनिमल्स वर डिगिंग इन द फील्ड टू प्रिपेयर इट फॉर प्लांटिंग कॉर्न। एनिमल्स खेतों को खोद रहे थे ताकि मकई का बाग प्रिपेयर कर सके। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई डिड ब्रेड रैबिट प्रिटेंड दैट ही हैड अ थॉर्न इन हिज हैंड। ब्रेड रैबिट ने दिखावा क्यों किया कि उसके हाथ में कांटा चुभ गया है। ब्रेड रैबिट प्रिटेंडेड दैट ही हैड अ थॉर्न इन हिज हैंड बिकॉज ही वांटेड टू टेक सम रेस्ट, क्योंकि वो कुछ देर आराम करना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ डिड ब्रेड रैबिट रीच द बॉटम ऑफ द वेल। ब्रेड रैबिट कुएं के नीचे कैसे पहुंचा। व्हेन ब्रेड रैबिट जंप्ड इनटू द बकेट एंड द बकेट वेंट डाउन विद हिज वेट। जब ब्रेड रैबिट ने बकेट में छलांग लगाई तो जो बकेट थी उसके वजन के साथ नीचे चली गई। क्वेश्चन नंबर फोर, Why did Brad Fox wish to join Brad Rabbit in the well? Brad Fox thought that Brad Rabbit was counting his money and gold coins, so he wished to join Brad Rabbit in the well. Brad Fox ने सोचा कि जो rabbit है वो money और gold coins को count कर रहा है, इस वजह से उसने ख्वाहिश किया कि मैं उसके साथ कुएं में शामिल हो जाऊं Brad Rabbit के साथ। Why did the hunter pull the bucket up? The hunter pulled the bucket up to drink water. पानी पीने के लिए उसने बकेट को ऊपर की तरफ खींचा शिकारी ने। Book page number 16, A1 part. Read the following sentences from the story and answer the questions. Sentences को read करने हैं जो कि आपके story से हैं और उन questions के आपने answer बताने हैं। ये काम भी आपने अपनी कॉपीज पे ही करना है। वन है, डैट लुक्स लाइक अ माइटी कूल प्लेस टू टेक अ नैप। सोने के लिए ये ठंडी और बेहतरीन जगह है। हु सेड दिस, ये किसने कहा था। ब्रेड रैबिट ने कहा था, इसका आंसर होगा ब्रेड रैबिट। बी
What looked like a good place to take a nap? सोने के लिए अच्छी जगह क्या दिख रही थी? Answer is the bucket on the top of the well. Number 2. How do I get down there? मैं नीचे कैसे आऊं? Who said this and to whom? ये किसने किसको कहा था? Brer Fox asked Brer Rabbit. Brer Fox ने Brer Rabbit से पूछा. B part. Where did the speaker want to go? स्पीकर कहाँ जाना चाहता था? आंसर इज टू द बॉटम ऑफ द वेल, कुएं के नीचे हिस्से में, यानी के ब्रेड फॉक्स. थर्ड, गुड बाय ब्रेड फॉक्स, खुदा हाफिज ब्रेड फॉक्स. हु सेड दिस एंड टू होम, ये किसने किसको कहा था? ब्रेड रैबिट सेड दिस टू ब्रेड फॉक्स, ब्रेड रैबिट ने ब्रेड फॉक्स को कहा. When did the speaker say these words? यानी कि ब्रेड रैबिट ने ये वर्ड्स कब कहे? When ब्रेड रैबिट्स बकेट वाज गोइंग अप, जब ब्रेड रैबिट की बकेट ऊपर जा रही थी, ऊपर की तरफ जा रही थी. Now book page number 17, A2 part. Number the following sentences in the correct order. The first one has been numbered for you. कुछ सेंटेंसेस दे दिए गए हैं चैप्टर के अकॉर्डिंग, इनको आपने रीअरेंज करना है, और जो पहला है वो आपको कर दिया जा चुका है. ये देखिए, ब्रेड रैबिट एक्सीडेंटली वेंट इनटू द वेल, नंबर वन. नंबर टू, ब्रेड फॉक्स वांटेड टू सी व्हाट ब्रेड रैबिट वाज डूइंग एट द बॉटम ऑफ द वेल. नंबर थ्री, ब्रेड फॉक्स एंड ब्रेड रैबिट वेंट पास्ट ईच अदर इन द वेल. फोर, ब्रेड रैबिट वांट ब्रेड फॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग हंटर. फाइव, द हंटर पुल्ड ब्रेड फॉक्स आउट. सिक्स, ब्रेड फॉक्स रैन टू सेव हिज लाइफ. ये चैप्टर आपने सब रीड किया है, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने इन सेंटेंस को रीअरेंज करना है कि कौन सी बात कब की गई थी और कौन सी चीज कब हुई थी. नेक्स्ट, B1 पार्ट, एनालॉजीज. एनालॉजीज टर्म क्या होती है? दो अशिया, सिचुएशन या आइडियाज का आपस में मुवाजना है, जो बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ लेकिन किसी हद तक मुमासिल भी होती हैं. कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजीज विद सूटेबल वर्ड्स. फर्स्ट है बॉय इज टू गर्ल एज डैश इज टू वुमेन. ये देखिए, गर्ल इसके साथ बॉय, वुमेन तो क्या होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, मैन. नंबर टू, July is to August as January is to February. Third, King is to kingdom as principal is to school. Fourth, food is to hungry as drink is to thirsty. Five, tear is to sorrow as smile is to happiness. Six, picture is to wall as carpet is to floor. इसी तरह 7, wing is to bird, birds के wings होते हैं, as fin is to, fin किसके होते हैं, fish के, तो fish आ जाएगा blank में. 8, water is to pipes as electricity is to wires. Next, page number 18, B2 part, predator and prey. predator क्या होते हैं? ऐसे जानवर हैं जो कि शिकार करते हैं और दूसरे जानवरों को खाते हैं. And a prey is an animal that is hunted for food by other animals. Now match the animal types in column A with their description in column B. Description column B में है, examples column C में है. First है herbivore. ऐसे जानवर जो कि सिर्फ घास खाते हैं, यानी कि पौधे या plants खाते हैं. तो animals that eats only plants, यहाँ पे आप number 1 लिख देंगे. और इस एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा, काओ, हॉर्स. इसी तरह सेकंड, कार्निवोर, वो जानवर जो कि गोश्त खाते हैं, जैसे कि एनिमल डैट ईट्स मीट, ये नंबर 2 आप यहाँ पे लिखेंगे. और इसकी एग्जाम्पल में आ जाएगा टाइगर और लाइन. इसी तरह थर्ड, वर्टिब्रेट्स, एनिमल डैट हैज स्पाइन, नंबर 3 लिख देंगे. एग्जाम्पल में मंकी, जेब्रा. नंबर 4, ओमनीवोर्स, एनिमल्स डैट ईट्स बोथ प्लांट्स एंड मीट, और इसके एग्जाम्पल में क्रो, बियर. 5, स्कैवेंजर, एनिमल्स डैट ईट्स अदर डेड एनिमल्स विच इट हैज नॉट किल्ड इट सेल्फ. एग्जाम्पल वल्चर, हाइना. 6, रेप्टाइल्स,
Animals that lay eggs have scales in its body and crawls. For example, crocodile, snake. 7. Invertebrates. Animals that has no spine. For example, worms. 8. Pet. Animals that is kept at home as a companion. For example, dog, cat. 9. Rodent. Small animals with large teeth. For example, rat, squirrel. 10. Parasite. Animals that lives on other animals, often drinking their blood. For example, fleas, mosquitoes. Next, page number 19. See one part. Fill in the blanks in the following sentences with appropriate combinations of adjectives and prepositions given in the box below. Take the help of the clues given in brackets. Refer to the table above if you have a doubt. ये कुछ इस बॉक्स में वर्ड्स हैं जो कि कम्बिनेशन है एडजेक्टिव्स के, प्रेपोजिशंस के. सेंटेंस की मुनासिबत से आपने इनको वहाँ पे एडजस्ट करना है. ब्रैकेट्स में क्ल्यू दे दिए गए हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने यहाँ पे कौन सा वर्ड चूज़ करना है. एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो कि नाउन को क्वालिफाई करते हैं. 1. सम पीपल्स आर डैश कॉकरोच. फियर कहते हैं खौफ को. तो इसको ये हम देखेंगे तो क्या होगा, ये कॉकरोच से कुछ लोग जो हैं वो डरते हैं, यानी कि सम पीपल्स आर अफ्रेड ऑफ कॉकरोचेस. 2. वी शुड बी काइंड टू एनिमल्स, केयरिंग. 3. द ऑडिटोरियम वाज फुल ऑफ पीपल. 4. रोशन्स वे ऑफ वॉकिंग इज सिमिलर टू डेट ऑफ हिज कजन. 5. सीमा वाज थैंकफुल टू द पुलिसमैन हु टुक हर होम. 6. Is a pigeon different from a dove? 7. Karachi is famous for its beaches. 8. You can pass the test if you are good at mathematics. 9. People are not happy with the Pakistani cricket team's performance. 10. I am tired of eating sandwiches every day for breakfast, complained Camilla. ये देखिए ब्रैकेट्स में कुछ क्ल्यूज दे दिए गए थे, इनकी मुनासिबत से आपने इनको यहाँ पे एडजस्ट करना है. जैसे कि फेयर तो अफ्रेड ऑफ, केयरिंग काइंड टू, फिल्ड विथ, फुल ऑफ, अलाइक एक जैसा यानी कि सिमिलर टू, ग्रेटफुल शुक्रगुजार यानी कि थैंकफुल टू, नॉट अलाइक डिफरेंट फ्रॉम, वेल नोन, फेमस फॉर, स्किलफुल, गुड एट, सेटिस्फाइड, हैप्पी विथ, बोर्ड, टायर्ड ऑफ. स्टूडेंट्स ये बुक को अगर आपने अपनी बुक्स पे नीट वे में नोट ऑन करना है, प्लस इसको याद भी करना है. यूनिट नंबर 4, पोएम द फ्री मैन. ये पोएम लर्न बाय हार्ट है, यानी आपने इस पोएम को जुबानी याद करना है. स्टूडेंट्स इस पोएम की प्रोनंसिएशन को ध्यान से सुन लीजिए. आई हैव अ पेनी टू स्पेंड देयर Thanks to nobody. I have nothing to lend. I will borrow from nobody. I am nobody's lord. I will be slave to nobody. I have a good broad sword. I will take blows from nobody. I will be merry and free. I will be sad for nobody. Nobody cares for me. I care for nobody.